नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो, इसमें हम बात करेंगे ये जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसके द्वारा हाल ही में स्टेनोग्राफर कंप्यूटर के लिए जो परीक्षा ली गई थी, इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। और दूसरा, अप्रेंटिस लाइनमैन जिनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रह रहे हैं, तो यहाँ पर एक नई जो डेट है ये आई है, तो उस डेट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और अगर आप इन दोनों के दोनों नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इस समय जब ये जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं और इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपने नीचे की तरफ आना है और ये जो आपको यहाँ पर लाइन जो चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट सेशन 3/22 रिजल्ट, और दूसरा यहाँ पर रहेगा पब्लिक नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस लाइनमैन इंग्लिश पंजाबी। ये डाउनलोड करने का लिंक है इंग्लिश या पंजाबी में। तो पहले जब हम इसी को देख लेते हैं, तो जैसे जो हम यहाँ पर इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिस है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये नोटिस आपका यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जनतक सूचना है यहाँ पर, और ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 2021/22/600 यहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप के लिए जारी हुई थी और डेट थी यहाँ पर ये 30/10/21, और ये नोटिस जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर स्थान जो है बताया गया है, और ये यहाँ पर डेट आपकी आ चुकी है, सीरियल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है, और ये यहाँ पर डेट है, दस्तावेज चेकरण की डेट। तो ये 1 से लेकर 700 तक ये अपने दस्तावेज जो चेक करा सकते हैं, 16/3/22 से 17/3/22 तक। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरीज है उसके अनुसार यहाँ पर ये बताया गया है, और अनुसूचित जाति वाले जैसे यहाँ पर 701 से 1612, और ये दस्तावेज चेक करा सकते हैं 21/3 से 22/3/22 तक। उसके बाद जो अन्य श्रेणी है यहाँ पर ये ऐसे ही 701 से 985 तक, 21 से 22 तारीख को, और ऐसे ही जो यहाँ पर अन्य हैं फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, तो ये 1 से लेकर 10,128, और ये भी 21 तारीख और 22 तारीख को अपने दस्तावेज चेक करा सकते हैं। कुछ नोट यहाँ पर दिया गया है कि जो भी कोई यहाँ पर 22/3/22 के बाद दस्तावेज चेक कराने के लिए आएगा तो उसके दस्तावेज चेक नहीं होंगे, तो यह आप अपने अनुसार यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट जो यहाँ पर बताई गई है 22/3/22 तक, तो ये आप देख सकते हैं। साइट पर हम वापस चलते हैं और स्टेनोग्राफर वाला जो रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, जैसे जब इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पर ये लेकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो जैसे जब इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, और यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कई सारे एग्ज़ाम जो आपको दिखाई देंगे, जैसे इंजीनियरिंग ऑफिसर एग्ज़ाम देख लेते हैं पहले। ये है यहाँ पर पहले वाला सीरियल नंबर 1, तो जैसे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे जब यहाँ पर ये जो यहाँ पर इंजीनियरिंग ऑफिसर एग्ज़ाम है इसके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AM IT एग्ज़ाम 14/3/22। तो जैसे जब इस 14/3/22 वाले ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट ही आ जाएगा। डेट आप देख सकते हैं 14/3/22 पंजाब राज, और ये सीरियल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ID, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट फॉर पेपर 1, 2, 3, और ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पर कोई पास है क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। और वापस चलते हैं साइट पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर AM HR एग्ज़ाम, और ये यहाँ पर पहले वाला जो लिंक है इसके ऊपर ही हम क्लिक करेंगे तो ये भी जो आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
उसके बाद अब त्रियुग, ये तो सीरियल नंबर है 14, डेट 14/3/22, ऐसे यहाँ पर रोल नंबर, एम्प्लॉयमेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और ये यहाँ पर रिजल्ट है, पास पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट, और ये आप पढ़ सकते हैं। साइट पर हम वापिस चलते हैं। और ये SAS Part 1 एग्ज़ाम है, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे जब हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं 14/3/22, और नंबर ऑफ चेंज एविल, यहाँ पर रोल नंबर है, उसके बाद ऐसी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये अप्लाइड फॉर पेपर पेपर 1, 2, 3, 4, और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट है, कौन अपसेंट है, फेल है, या इसमें पास है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट। साइट पर हम वापस चलते हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम 15/3/22, जैसे जब हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये भी आपका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। और ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 15/3/22, रोल नंबर है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और ये यहाँ पर रिजल्ट है। तो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद है यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम में, ये भी देख लेते हैं। तो 14/3/22, जैसे जब हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये भी आपका यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 14/3/22 ना, उसके बाद रोल नंबर है, और यहाँ पर डिटेल, एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रिजल्ट दिया गया है, कौन अपसेंट है, पास है, और 94वां जो पेज है इसमें आपका यहाँ पर ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी लिस्ट और ये जो रिजल्ट जो है इनको चेक कर सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट पंजाब पावर, तो दोस्तों ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसके द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।